गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके। तो देखिए, आज हम फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। उसमें हम 9 क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और जो आंसर सबसे पहले करेक्ट बताएगा उसको हम देंगे सरप्राइज़ गिफ्ट, और सरप्राइज़ गिफ्ट में होगा फ्री में आपके लिए केमिस्ट्री के नोट्स। अब देखिए, हम पहले बात करते हैं कि कल के सरप्राइज़ गिफ्ट विनर कौन थे। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुशखबरी है, और वो है नाम यहाँ पर प्रहलाद तिवाड़ी। तो प्रहलाद तिवाड़ी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, या आप खुद हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, जिससे हम आपको मुफ्त में नोट्स प्रोवाइड करा सके। और जो हमारे फर्स्ट जो विनर थे वो थे हिमांशु फागेरिया। तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लें, हम आपके लिए जो फ्री में नोट्स हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप दोनों हिमांशु एंड प्रहलाद यहाँ पे बन चुके हैं हमारे सरप्राइज़ गिफ्ट विनर, और दोनों ही हमें कांटेक्ट कर लें। तो देखिए, आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, तो उसका आपको आंसर देना है। बट उससे पहले मैं कल के क्वेश्चन का आंसर बता दूं। कल के क्वेश्चन के आंसर में ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। क्या ऑप्शन था? ए ऑप्शन। और जिसके विनर प्रहलाद बन चुके हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, यानी आपको बताना है कि जो मॉडर्न वेट स्केल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन एंड कार्बन 13। तो आप सब लोग जानते हैं कार्बन 12, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन 12, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, वो है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज़, आपको बताना है कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है। तो सबको पता है क्या होगा? 16 ग्राम। देखिए, 16 AMU मत करके आ जाना, 32 AMU मत करके आ जाना, क्या होगा? 16 ग्राम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है थर्ड क्वेश्चन, मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 इज़, आपको बताना है मोलिकुलर वेट क्या होगा SO2 का। तो सब लोग जानते हैं 64 AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? 64 AMU। फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 AMU स्केल इज इक्वल टू, यानी आपको बताना है कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए, 1 AMU जो होता है वो होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए, जो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो AMU की डेफिनेशन से सॉल्व होगा। इसकी डेफिनेशन है जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में पूरी की पूरी बता रखी है कि AMU क्या होता है और ग्राम क्या होता है। तो अगर कोई नहीं जानता है AMU क्या होता है और ग्राम क्या होता है, तो हमारे पिछले लेक्चर में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं AMU और ग्राम में डिफरेंस। तो ये हो गए यहाँ पे 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और देखिए, जो सरप्राइज़ गिफ्ट विनर है वो एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हम 10 स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं, 5 को भी भेज सकते हैं, 15 को भी भेज सकते हैं नोट्स। तो आप बने रहिए, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 5th क्वेश्चन है, नॉट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ सोन बाई, यानी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो आप सब लोग जानते हैं डी ब्लॉक के अंदर एक स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जो नॉट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए, मैग्नीज जो होता है वो आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा शो करता है, क्रोमियम भी शो करता है, फेरस भी शो करता है बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जो आपका स्कैंडियम होता है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द आयंस
Fe+2, Fe+3, Chromium+2, Chromium+3, Mg+2, Mg+3। इसमें आपको बताना है, इसमें दो क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आयन इज, यानी आपको बताना है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन कौन सा होगा। तो देखिए, मैंने आपको जब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीज प्लस थ्री होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन होता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर है सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन इज। तो देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम प्लस टू जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन होता है, यानी यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आयन, तो आपको बोलना है अमन प्लस थ्री यानी मैग्नीज प्लस थ्री। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम प्लस टू। तो इस वे में हमने सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। फिर है हमारा यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है विच कंपाउंड डज एग्जिस्ट, यानी आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही थर्ड करता है, ना ही फोर्थ करता है। ये मैंने आपको डी एंड एफ में अच्छे से बताया कि कौन से आयंस है जो एग्जिस्ट करते हैं और कौन से कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अमन O3F है जो एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका सेवेंथ में ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका एट्थ क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एट्थ क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेंथनॉइड, यानी लेंथनॉइड कौन सा है इन चारों एलिमेंट्स में से। तो देखिए, आप लोग जानते हैं लेंथनॉइड की सीरीज। लेंथनॉइड की सीरीज याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, सी पर नट पम सम यू घट तब डी हो अर तब, यानी एक मंत्र बताया था, उससे आपको लेंथनॉइड की पूरी सीरीज याद हो जाती है। तो देखिए, वहाँ पे ओनली देखिए फोर्थ ऑप्शन का जो एलिमेंट है वही अपने सीरीज में आता है, यानी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गैडोलिनियम एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी जो गैडोलिनियम एलिमेंट है वो लेंथनॉइड का ही एलिमेंट होता है, जबकि ये जो तीनों एलिमेंट है वो लेंथनॉइड सीरीज के नहीं है। इस वे में आपका एट्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छे से और आप बताइए कि ये जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड का ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कौन से सीरीज का आपको दे रखा है, ये दे रखा है लेंथेनॉइड का, क्योंकि यहाँ पे जिनॉन 54, 4F14, 5D1 और 6S2 किसका होता है, लेंथेनॉइड का होता है। तो इस वे में आपका यहाँ पे नाइन्थ का जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, यानी 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द थ्री लेंथेनॉइड्स विच सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, यानी आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से थ्री लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सो करते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो यहाँ पे लकी विनर होगा उन्हें मिल जाएगा यहाँ पे फ्री में नोट्स। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और करते रहिएगा हमें सपोर्ट। थैंक यू।